है ना। बहुत टेस्टी पूरी भी एक नंबर है। जब फोर्थ डे होता है दो पक्ष होते हैं, फोर्थ डे होते हैं जो कि एक शुक्ल पक्ष होता है एक कृष्ण पक्ष होता है। तो ये शुक्ल पक्ष में बनाया जाता है जो फोर्थ डे होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये चंद्रमा की जो कला होती है उसके हिसाब से तिथियां डिसाइड होती है। और श्राप प्राप्त का भी तो सीन है ना। श्राप मिला हुआ था उन्हें, वो उन्हें हमेशा के लिए श्राप मिल गया, लेकिन उसने प्रार्थना की चंद्रमा ने तो गणेश भगवान ने फिर बोला कि ठीक है श्राप तो मैं नहीं जा सकता मेरा वेस्ट, लेकिन ये हो सकता है कि एक दिन के लिए आपका ये श्राप रहेगा। अच्छा। तो इसलिए उन्हें आज देखते नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि फ्रूट लेकर आप देखोगे तो मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। अच्छा। अगर आप उन्हें बिना फ्रूट के देख लेते हो तो किसी कलंक मार देना चाहिए, आपका श्राप जो है ना मतलब आपको कलंक ना लगे, ऐसा माना जाता है कि अगर आप चांद देखोगे आज तो आपको कलंक लग जाए। बस पूजा खत्म ना ना, आधा घंटा के पूजा में हाँ देख जल्दी 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 समय से नहीं हो चो ना, साझे हो के चाहिए 7:30 से ऊपर। नाना का गुस्सा गांव पे अखन तक नहीं भेले। हाँ गांव में कहिया बात है, अखने फोन में लाबे छिए अभी खाना नहीं है, सिंगा है पिछला है हम लोग बच्चों खाना नहीं है। 7:30 आप खाओगे, आप खाओगे? नहीं खाएगा। सिंगा प्रसन्न मंदिर सब तो मैं घूम के भग चंद्रमा की तरफ देखूं। सिंगा प्रसन्न मंदिर हां देखी नहीं मुझे देखता था। ये मेरा ओम में आसमान तक कोई मुंह घूम के चंद्रमा देखा तक नहीं है। पंडित जी कभी दोबारा बजियो बता के उम्र कलिया आके बता कोई ये सब सुकुमार मारो दिस्तम हम में अश्मंत का दिखाई नहीं देंगे वो बात देख लिए वही ना जैसे देख लिए मम्मी नहीं दिखे आज। हाँ नहीं दिखे आपने किया प्रणाम अभी कर लेता हूँ। ये मॉरर है देखो मॉरर भराता है ये। अच्छा तो इसको आधा करते हैं। आधा करके क्या करते हैं प्रसाद है। हम आप कहे जाए तो कुछ नहीं बनाए कि की कहे छी उनको पूजा आते में तो नहीं छी देने तो जे हम देने छी से अभी कर रहे हैं। 852 में सेट होंगे आज कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। मम्मी मन से मन में मांगते हैं। हां हां ये दक्षिणा है दक्षिणा ले भी नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो मैंने मांगा मांग बोलो बोलो बता दो कि पहला कि एग्जाम से 2 महीने पहले मैं तैयारी करने लग जाऊं और दूसरा कि मुझे टाटा बिरला मानी से भी ज्यादा मेल लगे। बढ़िया आपने क्या मांगा मैंने मांगा मेरे एग्जाम से ही। आपने क्या मांगा सबकी खुशी उन्नति। हे असगर में वो कौरे चले यार। ये यहाँ ये बच्चा भी प्रणाम सबसे बड़ा प्रणाम द्रव्य मूल्य देवतम जथा नाम काश्य गोत्र ब्राह्मणा है दक्षिणा कहाँ यो दौ नीचे हम स्वस्थ पता नहीं जी ब्राह्मण संपन्न नीचा में था पूजा पूजा खत्म है पापा खत्म। उनको उनका आवाहन हुआ था उनका विसर्जन हो गया मंत्र से आवाहन हुआ मंत्र से ही विसर्जन हो गया। हाँ। और पूजा हो गई समाप्त। अब मम्मी लोकल पूजा करेंगी और प्रसाद और प्रसाद के वेट में
पापा इतना गुस्सा हो गए क्योंकि पापा को भूख भी लग गई होगी, पापा को बैठा नहीं जाता ज्यादा देर, इसलिए वो गुस्सा करते रहते हैं। जल्दी 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 सारा करवा दिया, आधे घंटे भी लगे हुए मम्मी पूजा करने। नहीं, एक घंटा इतने आप लोगों ने साड़ी बदली पूजा सर भगवान के कथा छी 26 को देखता है कि पूजा 26 को के ओ आप कखन कर रहे हो वो करा लिया वो करया तो नाम को काम करता नहीं कुछ की नहीं कह देता। यहाँ नानी प्रणाम करते हुए, नानी भी आपकी मम्मी है? हाँ, सबकी नानी है ना। भूल चूक गलती सलती माफ कर, अब लेनी देनी क्या, तू क्या देगा और क्या लेगा। हाँ लेना ही लेना है, हम दे तो कुछ नहीं सकते। देखिए पूजा होते ही फोटो सेशन स्टार्ट हो गया है। अगर आपको फोटोज भी देखनी है हमारी तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मधु साक्षी। वैसे लिंक जो है इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। फोटोज खींची नहीं, मैंने तो सोचा और ज़्यादा खींचोगे, और ज़्यादा खींचोगे मैंने सोचा। नहीं खींचेंगे नहीं, मतलब अब ये लास्ट यहाँ हो गया, अब ब्राह्मण भोजन होगा तब सबको खाना मिलेगा। अच्छा, जिसके हाथ में जो भी प्रसाद था वो खा सकते हैं। अच्छा ओके, तो पूजा हो चुकी है बाबू, आप लोगों ने डन। देखिए वीडियो के लिए नानी के पैर छुए जा रहे हैं, वैसे वैसे किसी का मन नहीं किया। लास्ट में हम छूते हैं, आशीर्वाद। मैं मजाक कर रही थी। चलो अब नानी को ब्राह्मण भोजन करा के नानी को खिलाते हैं। अच्छा, पहले ब्राह्मण भोजन फिर नानी को पानी पिलाते हैं जल्दी से, नानी ने पानी भी नहीं पिया पूरे दिन से। खुश रहो, आनंद रहो। और मामा जी ने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, बिकॉज लेट नहाए, नहाए बिना खाते नहीं है, तो आपका भी फास्ट ही हो गया। चलो कोई नहीं, पंडित जी इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि इन्हें इमली देखना होगा या फिर मूवी। इतनी जल्दी जल्दी पूजा कराए हैं नाना बाबा। देखो और यहाँ पापा जी भी आ चुके हैं। पापा जी इतनी जल्दी जल्दी पूजा करे, आधे घंटे में पूजा ओवर, और किस लिए? देखो ना मूवी देखना था इन्हें। देख रहे हो, ई नहीं हुई छो तोरा सबके, ई नहीं हुई छो, किछ नहीं तैयारी छो, और यहाँ पे आके पूजा करा के मूवी देख रहे हैं, मतलब। हाँ सही है। और आज की वीडियो में सब कह रहे हैं पापा जी बहुत पतले हो गए हैं। हाँ देखा आपने, तो आप डाइट पे ध्यान दो आप, बिल्कुल है ना। ब्राह्मण खाए नहीं खाए, कौन खा रहा है सबसे पहले ये देखो। ब्राह्मणी देखो जरा, ब्राह्मणी खा रही है। प्रसाद खा रहे हो? और मम्मी लग चुकी हैं अपनी फेवरेट ड्यूटी पे। इनका काम हमेशा दाल की पूड़ी को भरना होता है, और मैं चाहती हूँ बैठे बैठे काम हो जाए। तो ये मुझे नहीं आता है। अच्छा, और आप फ्राई करोगे? हाँ, का काम मेरा है जी। सही है, यहाँ पे लग रहा है ब्राह्मण भोजन। अभी प्लेट्स प्लेट्स लगेंगे। आइए लगा दे साथ में। पापा थाली लगा ले यहाँ के, चलो। अरे यहाँ भोजन हो रहा है। हाँ, पापा जी ने खा लिया ना, मामा जी को भी बिठा दिया। ओके, ब्राह्मण भोजन तो बुक कर लिया। तो पापा जी ने खा लिया तो नानी भी अब खा पी लेंगी। हाँ। है ना, बहुत टेस्टी बनाया हर चीज। पापा जी कैसा बनाया? यम, ये तो एक नंबर। अच्छी बनी। गोलू अभी खाएगा नहीं क्योंकि उसकी क्लास चल रही है, पंडित जी की क्लास चल रही है। दिखा देती हूँ जरा, कहाँ है पंडित जी?
आपकी क्लास चल रही है? लेक्चर ले रहे हो? ओके, थोड़ी देर बाद खाओगे? यहाँ खाना पीना होने के बाद क्या चल रहा है? माँ का प्यार लिया जा रहा है। मतलब ना, जब तक ये ऐसे नहीं कर लेंगे, मतलब जबरदस्ती का दुलार करवाते हैं पापा जी। अच्छा, मम्मी नानी बैठी रहेंगी और मम्मी हर दिन भोग ला के लपट जाएंगे, तो पता नहीं क्या करे। क्या करे, क्या बढ़िया, वो भी तो अपने ही है भाई, ये भी तो बच्चे हैं। और मम्मी सब पे हाथ ऐसे से फेरेगी तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, बड़ा अच्छा लगेगा। तब घर चलना है? घर जाने का इरादा है या पति गोद में नींद लेने का इरादा है? नहीं, निकल रहे हैं। क्या कह रहे थे आप मुझे? जब निकल रहे हैं। नहीं, बैठो ना। क्या जय विजय भगवान को ले के चौथी चांद मारे हैं भगवान। इन दोनों की लड़ाई देखो, बताऊंगी। वो तैनात है चलने के लिए। चलो चलते हैं, आज वॉक करते हुए हम सभी पैदल पैदल जाएंगे। यस, हाँ, और इसी बात पे व्लॉग यही एंड कर ले, समाप्त होता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आने दो, वो इतना बच्चे आने लग गए होंगे। तो अब चल रहे हैं, वॉक करते हुए ही जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ही जाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बेल बटन जरूर दबा दें ऑल पे। चौरचंद के ब्लॉग को शेयर करें, हमारे मिथिलांचल के ब्लॉग को, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि हम बाहर में रह के भी बहुत इंजॉय करते हैं। और लास्ट ईयर का भी हम लिंक नीचे डाल देंगे, लास्ट ईयर की भी थोड़ी सी क्लिप है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up.